सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली मैंने इवोल्यूशन एक्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर ये लेटेस्ट वर्जन का 4.7 ऑफिशियल वर्जन है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये मी एटोल वर्जन है। तो आप जो है यहाँ पर सारे फ़ोनों में इसको इंस्टॉल कर पाओगे। आप जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया है कि आप Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro, इन तीनों चारों डिवाइसों में आप अच्छे से इस रोम को इंस्टॉल कर पाओगे और सारी डिवाइसों में एक तरीके से ये वर्क करेगा। ओके गाइज, यहाँ पे आपको वैंटम कर्नल देखने को मिल जाता है इस रोम में, एंड यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। सो आज मैं इसी रोम का आप लोग को रिव्यू देने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी समझा दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिवाइस नेम पोको M2 Pro दिखा रहा है यहाँ पर, मी एटोल वर्जन, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी पैच 5 सितंबर का आपको देखने को मिल जाता है और कर्नल मैंने आपको बता ही दिया है कि वैंटम कर्नल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है, बट बैटरी बैकअप मुझे उतना अच्छा इस कर्नल में नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्टेटस बार देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो आप जो है यहाँ से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करोगे एंड यहाँ से आप सारी चीज़ों को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे इस तरीके से। आप देख सकते हो इस पर क्लिक करोगे, ये सीधे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर डार्क थीम हो गया, हॉट स्पॉट हो गया एंड सारी चीज़ें हो गई। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर इसको कर सकते हो। यहाँ पर साउंड हो गया, तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो सारी चीज़ों को एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड यहाँ पे अगर बात करें वाईफाई ब्लूटूथ की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉक कर रहा है एंड यहाँ पे हॉटस्पॉट भी साथ में वॉक कर रहा है वाईफाई के। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप जो है इसको यूज़ कर पाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी वाईफाई ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट तीनों में। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट लाइट आपको देखने को मिल जाता है, तो जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वॉक कर जाता है। ये ऑफिशियल वर्जन है, तो उसमें सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वॉक कर जाएंगी, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी इस रोम में। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डार्क थीम है, तो डार्क थीम आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डार्क हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये डार्क देख सकते हो इस तरीके का, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर देखने में गाइस। काफ़ी स्मूथ रोम है गाइस, कोई भी लैग इसमें देखने को मुझे नहीं मिला अभी तक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको मैंने बता ही दिया वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएगा, उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा वैंटम कर्नल में, मुझे उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, बट यहाँ पर ठीक ठाक आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं, तो डिस्प्ले में आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें यहाँ पर हैं इस तरीके से। डार्क थीम मैंने बता दिया आपको, नाइट लाइट आपको बता दिया, दोनों चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। स्टाइल वॉलपेपर में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर पाओगे अपने हिसाब से, और यहाँ पे कस्टम भी आप बना पाओगे जिस हिसाब से आपको बनाना हो। कस्टम बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है कस्टम पे, एंड यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट यूज़ करना है आप चूज़ करना है, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है आइकन्स कौन से रखने हैं, तो आइकन्स आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हो। कलर्स आपको क्या रखने हैं, तो कलर्स मैं ग्रीन ले लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट करोगे। देन उसके बाद आपको शेप पूछ रहा है, तो शेप आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे शेप हैं, तो आप कोई भी शेप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, जो भी थीम का आप नाम लिखना चाहो, उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आइकन भी चेंज हो चुका है, एंड यहाँ पे एक्सेंट कलर भी चेंज हो चुका है, ग्रीन हो चुका है इस तरीके से, जो कि देखने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे वोल्टी आइकन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो है ये वॉक कर जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर टैप टू वेक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले साइज़ हो गई, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से वॉक कर रही हैं। एंड यहाँ पे साउंड्स में अगर हम आएंगे, तो साउंड्स में आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो साउंड्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आएगी, सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर जाती हैं। हैप्टिक फीडबैक हो गया या सारी चीज़ें हो गई, जो भी हो सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर वर्क कर जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ऐप का बिहेवियर क्या है, प्राइवेसी में क्या क्या परमिशन ले रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी में अगर हम आएंगे, तो आपको देख सकते हो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो फिंगरप्रिंट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे मैं फिंगर पे लगाऊंगा, आप देख सकते हो अनलॉक हो गया है यहाँ पर। यहाँ पे फेस अनलॉक भी चेक करा देता हूँ, मैं साइड से अपना फेस दिखाता हूँ,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे अनलॉक हो गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अनलॉक हो गया। तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐप लॉक आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल चीज़ ये है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन लोगों ने ऐड कर दी है, जिससे कोई भी थर्ड पार्टी का ऐप लॉक या फिर ऐप लॉकर जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं लोग, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप अच्छे से जो है यहाँ पर लॉक कर पाओगे इसको, एंड काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, तो बैक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एसेसिबिलिटी में, तो आपको आपको सारे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी सारे, जो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। डिजिटल वेलबिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। द इवॉल्वर में अगर हम आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भर भर के मिल जाते हैं। थीम्स में जाओगे तो थीम्स में आपको एक्सेंट कलर जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो आप जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे आप मैंने सेट किया तो देख सकते हो एक्सेंट कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। पिक्सल ब्लू हो गया, आप देख सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पर और भी सारे हैं, ओशियन है, तो इस तरीके से ये भी है। एंड यहाँ पे एक्सेंट पिकर है, तो आप जो भी कलर अपने हिसाब से अपनी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो इस तरीके से, जो भी आपको चूज़ करना हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, एंड यहाँ पे दिखने लगेगा। एंड यहाँ पे आइकन शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे आइकन शेप हैं, तो जो भी आपको आइकन शेप कर लगाना हो तो आप लगा सकते हो। यहाँ पर स्टेटस बार आइकन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वैल्यूम पैनल की स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे ये वैल्यूम पैनल है, अभी ये ऑसोप वाला है, तो आपको जो भी चेंज करना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है। एंड यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्टेटस बार में अगर आप आओगे तो स्टेटस बार में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया, एंड सारी चीज़ें हो गई। राउंडेड कॉर्नर आपको देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप जो है यहाँ से इसको यूज़ कर पाओगे। 4G LTE आइकन आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे वीओ वाईफाई का ऑप्शन है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आओगे तो नोटिफिकेशंस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर पाओगे। पावर मेन्यू में आएंगे तो पावर मेन्यू में वही चीज़ है गाइस, आप जो है यहाँ पे इसको इनेबल करोगे तो इस तरीके से। यहाँ पे फ्लैश लाइट मैंने इनेबल किया, फ्लैश लाइट यहाँ पे शो करने लगा। सेटिंग अगर मैं इनेबल कर दूँगा तो सेटिंग यहाँ पे शो करने लगेगी कुछ इस तरीके से, देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका भी यूज़ करना है, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर जेस्चर में अगर आप आओगे, एंड ऑसोप जेस्चर हो गया, यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन हो गया, तो यहाँ पे अगर बटन आपको चाहिए तो बटन आप लगा सकते हो इस तरीके से, नहीं तो अगर आपको एंड्रॉयड 10 वाला जेस्चर चाहिए तो एंड्रॉयड 10 वाला जेस्चर आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आप हैं, तो आप जो है यहाँ से यूज़ कर पाओगे सारी चीज़ों को। एंड लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। चार्जिंग एनिमेशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इसमें, तो आप जो है यहाँ से इसका यूज़ कर पाओगे काफ़ी अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस रूम में देखने को नहीं मिलेगी। एनिमेशंस में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाओगे, जो भी आपको कस्टमाइज़ करना हो उससे आप जो है काफ़ी अच्छे से एनिमेशन पा सकते हो अपने फ़ोन में। मिसलेनियस में जाओगे तो आपको गेमिंग मोड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है इस तरीके से, तो आप जो है इसका भी यूज़ कर पाओगे। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको और देखने को मिलते हैं, तो जो भी आपको यहाँ पे चलाना हो, यूज़ करना हो, जो भी कस्टमाइजेशन करना हो वो अपने हिसाब से आप कर पाओगे। एंड यहाँ पे सिस्टम में जाओगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा, जब भी आपका अपडेट आएगा तब, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्जन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपडेट कर पाओगे। जो भी OTA अपडेट आएगा वो यहाँ से आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से अपडेट कर पाओगे अपने फ़ोन को। एंड बाकी अगर बात करें कैमरे की, तो इसमें आपको गूगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, आप काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर पाओगे। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ओपन कैमरा का भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको नेटिव वीडियो कॉल भी सपोर्ट मिल जाती है, तो वो भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। सारे में अच्छे से यहाँ पे वॉक कर जाएगी सारी चीज़ें। तो अभी मैं बात करता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है एडवांस में मैं जाऊँगा, एंड यहाँ से रिकवरी मोड में चला जाऊँगा। रिकवरी मोड में बूट होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है। ओके, तो हम अपने रिकवरी मोड में बूट हो चुके हैं। आपको अपना जो आपका जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है।
उसके बाद आपको डायरेक्ट इंस्टॉल पे जाना है। देन उसके बाद आपको अपना रोम को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रोम आपको इंस्टॉल करना है इवोल्यूशन एक्स। यहाँ से आपको स्वाइप टू फ्लैश कर देना है सिर्फ जिप फाइल को। आपको सारे रोम की जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबके सब रोम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ से इसको स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आपको आना है उसके बाद वाइप में, जब रूम कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको फॉर्मेट डेटा आना है, यहाँ पे यस लिख के आपको ओके कर देना है, उसके बाद आपको रूम बूट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप लोग को करना है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। ओके बाय बाय गाइज़।